है आग की घटना सबसे ज्यादा सुनोगे, आग जंगलों में है ना, कहीं भी, चाहे वो जंगल हो, झाज हो, नदी हो, तूफान, मतलब आग की कहोगे, ऊपर से आग गिरेगी, चाहे पृथ्वी से आग लगेगी, आग की अब घटना सुनोगे, इंडिया से ले बाहर तक, पूरी दुनिया के लिए बहुत भयंकर और अजीबोगरीब आग होगी। और एक हादसे की जानकारी इस बीच मिल रही है हैदराबाद से, जहां पर बीती रात भीषण अग्निकांड में 11 लोगों की मौत हुई है। आग भोईगुड़ा इलाके में एक कबाड़ के गोदाम में लगी, जिसमें मरने वाले ज्यादातर लोग बिहार के हैं और मृतकों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। हैदराबाद में बीती रात ये भीषण अग्निकांड हुआ है। आग जो है हैदराबाद के भोईगुड़ा इलाके में कबाड़ के गोदाम में लगी है। इस आग का विकराल रूप आप इस बात से समझिए कि आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ गई और 11 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। बीती रात ये दर्दनाक अग्निकांड सामने आया है। भोईगुड़ा इलाका पड़ता है हैदराबाद का, जहां पर एक कबाड़ के गोदाम में दर्दनाक हादसा हुआ है और मरने वाले ज्यादातर लोग बिहार। छठा है, सातवां है मेरे जो, तो बॉलीवुड, बॉलीवुड में भयंकर सा कराने वाला है। आप सुनने वाले हो कोई एक्टर की बहुत बुरी न्यूज, वो एक फीमेल हो सकती है या एक जेंट्स हो सकता है, परमेश्वर यानी कि बॉलीवुड में बुरी न्यूज सुनोगे और बॉलीवुड में भयंकर संकट आने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है, कि परमेश्वर पहले ही बता दिया था। कोरोना वायरस के मामले बेशक कम हो गए हैं, लेकिन अब भी इस वायरस से लोग संक्रमित हो रहे हैं। बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, वहीं अब बॉलीवुड से कोरोना वायरस का एक लेटेस्ट मामला सामने आया है। बॉलीवुड अभिनेत्री लारा दत्ता कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। इस बात की जानकारी लारा दत्ता ने नहीं दी, लेकिन कई रिपोर्ट्स में लारा दत्ता के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लारा दत्ता कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। इतना ही नहीं, बीएमसी ने अभिनेत्री के घर भी सील कर दिया है। रिपोर्ट